उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देशानुसार कोरोना से बचाव के लिए अयोध्या के सभी सीएचसी पीएचसी में शासन की गाइडलाइन का पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है। वहीं अयोध्या सीएमओ डॉक्टर अजय राजा ने बताया, अयोध्या में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना का नया वेरिएंट काफी घातक बताया जा रहा है, लेकिन भारत में इसके केस मिनिमम है। वहीं सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसका पालन किया जा रहा है। सीएमओ ने जनता से अपील करते हुए कहा, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की पूरी तैयारी है, जबकि 27 दिसंबर को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें संसाधनों की उपलब्धता देखी जाएगी और जो उपकरण खराब होंगे उनको समय से ठीक कराया जाएगा। कोरोना में हमारे जो पहले वेव्स में जो चिकित्सालय काम कर रहे थे, सबको अलर्ट मोड में कर दिया गया है। जो भी उपकरण, ऑक्सीजन प्लांट्स जिनका पहले वेव्स में प्रयोग किया गया था, तो उसको क्रियाशील अवस्था में लाने की कार्रवाई की जा रही है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 27 तारीख को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल होने जा रहा है, तो अपने प्रदेश में भी सभी जनपदों में 27 तारीख को मॉक ड्रिल होगा, जिसमें हम लोग कोविड चिकित्सालयों का निरीक्षण पर्यवेक्षण करेंगे सारे अधिकारी, और उसमें जो भी उपकरण हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, उनकी क्रियाशीलता देखी जाएगी। अगर किसी में कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कराने की समय से कार्रवाई की जाएगी। साथ में मानव संसाधन और प्रशिक्षित ट्रेन मानव संसाधन की उपलब्धता पर को भी देखा जाएगा। गाइडलाइन क्या है सर सरकार की तरफ? गाइडलाइन ये आई है कि एक तरह से सबको सतर्क कर दिया गया, अभी पैनिक की कोई बात नहीं है। सतर्क कर दिया गया है कि मैंने हम लोग टेस्ट बढ़ा दे, उसके उस संबंध में हम लोग ने स्टेशन में टीम्स बना दी हैं। स्टेशन पर पहले से भी टेस्ट हो रहा था, अब उसकी टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जैसे राम जन्मभूमि हुआ, हनुमानगढ़ी हुआ, बस स्टैंड हुआ, यहाँ भी हम लोग ने टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। कल मेरे द्वारा एक जूम मीटिंग दी गई सारे अधीक्षकों, सीएससी के अधीक्षकों से, उनसे भी बोला गया है कि जो भी उनके चिकित्सालय में सर्दी जुखाम बुखार के मरीज आए उनको टेस्ट किया जाए कोविड के लिए, और साथ में उनको जो साथ में लेकर आया हुआ है एक तरह से जो उनके कॉन्टैक्ट्स हों, अटेंडेंट्स हों, उनको भी टेस्ट किया जाए। और सारे ही चिकित्सालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कर ली जाए, जो कि ये एक निजी चिकित्सालयों को भी हमारी तरफ से निर्देश गया है और सारे सरकारी कार्यालयों में भी निर्देश गया है। सर बूस्टर डोज की बात करेंगे तो क्या दिक्कत हो रही है सर? बूस्टर डोज हमारे यहाँ 45% आबादी को लग चुका है, और मेरे ख्याल से अयोध्या टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बूस्टर डोज लगा है। बीच में ऐसा हुआ था कि वैक्सीन की उपलब्धता तो हमें हो रही थी, लेकिन बूस्टर डोज के लगवाने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे थे, जिसके बाद से जो वैक्सीन उपलब्ध थी हमने उसका लगभग सभी उपलब्ध वैक्सीन का प्रयोग कर लिया है। कुछ डोज महिला अस्पताल में कोवैक्सीन के उपलब्ध हैं, और इधर देखा गया कि विगत कुछ दिनों से जब कोरोना की आहट लोगों ने सुना है तो वो लोग अब आगे आ रहे हैं, वैक्सीन बूस्टर डोज की डिमांड भी हो रही है,